विधायक जी, एमएलसी चुनाव को लेकर इस समय शासन की जो है काफ़ी तल्ख नज़र आ रही है, निगाहें, और उसी दरमियान पता चला कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में मदन यादव जो लड़ रहे हैं उनकी खोज में आपके यहाँ भी छापेमारी प्रशासन की ओर से की गई है, क्या कहना है उसमें? जी, कल रात को तकरीबन 11:15 बजे हमारे जो स्टाफ के लोग हैं आए, बताए तो हमें लेट गए कि फोर्स आई है, पिताजी और हम आए तो यहीं फाटक में सामने सीओ साहब और मोहम्मदाबाद कोतवाली के जो प्रभारी जो हैं वो भावरपुर प्रभारी तो सब लोग थे अपने मैं फोर्स के साथ। पूछा गया कि जी बताएं क्या है, उन लोगों ने बताया कि हम लोग को सूचना मिली है कि जो मदन यादव है वो आपके यहाँ हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन मदन है, तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको पूरा किया कि देखिए मदन यादव गाजीपुर जिला प्रधान संघ के एक प्रधान के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने पूछा क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा है, इनाम है या भगोड़े हैं वो, तो कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, उन लोगों को ये सूचना दी गई है कि वो मन्नू अंसारी के आवास पे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपको जिसने सूचना दी हमें नहीं पता क्या सूचना है आपकी, और मदन यादव जी यहाँ क्या करें, हाँ वो हमारे जिलाध्यक्ष प्रधान साहब के, वो भी जनप्रतिनिधि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर को दोपहर में गिराया जा रहा था जेसीबी बुलडोजर ले जाकर, और उनका करकट होकर सब तोड़ ताड़ दिया गया प्रशासन द्वारा। तो हम सारे विधायक लोग हम लोग गए थे उनके यहाँ, पर मदन जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, पर मदन जी यहाँ क्या करें। तो सीओ साहब ने कहा कि कप्तान साहब का आदेश है कि हम लोग तलाशी लेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ है डॉक्यूमेंट? जो कायदतन कहीं भी 6 बजे के पास आप किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी इंसान के आप जाइएगा तो वो 6 बजे के बाद आपको वारंट लेके जाना पड़ता है। तो किसी के पास, उन लोगों के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, आपका स्वागत है, आपको यहाँ कप्तान साहब ने कहा। तो एक बार 3 महिला रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, घर पर तलाशी लिया उन्होंने, पिताजी और हम गए साथ में उनके। उसके बाद भेजा वीडियो उन्होंने जहाँ भी आगे, दोबारा फिर आए कि सीओ साहब ने कहा कि हम भी चलना चाहते हैं। तो हमने कहा आइए सर, फिर से चलिए। तो एक एक बाथरूम, एक एक स्टोर रूम, एक एक बेडरूम, जो भी हो सकता है जहाँ सब किया।